नहीं नहीं वो गई एमटी अभी 46 का एवरेज दे रही है और बिटकॉइन भी भाई गए सजन रे पास तो आना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो कैसे आप सब, होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज हम जा रहे हैं निवाई। तो निवाई कोई प्रोग्राम है, कोई दोस्त है, अज्जू के साथ जा रहा हूँ। तो वहीं चल के अपन मिलते हैं। अभी मैं रास्ते में बताऊँ आपको क्या है, क्या सीन है, ठीक है। तो अभी निकलते हैं हम रूम से, तो मिलते हैं आगे की तरफ। हेलो गाइस, तो मैं अभी शिवदासपुरा आ चुका हूँ। मैंने डायरेक्ट बीच में से कहीं से भी ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया अभी। तो अभी मैं पहुंचने वाला हूं विशाल के घर, क्योंकि जो अपना अज्जू है और उसके साथ में जो राहुल है वो वहां पहुंच गए हैं उनके घर पे। तो थोड़ा वहीं चलते हैं। अभी मेरे को रास्ता ठीक से याद नहीं है, थोड़ा देखते हैं आगे चल के। याद आता है थोड़ा हल्का पुल्का। अभी तो दिखाता हूं मैं आपको शिवदासपुरा और विशाल का घर दिखा देता हूं। मैंने दिखाया नहीं आपको अभी तक। आई थिंक ये वाला रूट है, शायद पीछे निकल गया, इसमें से घूमना पड़ेगा मेरे को। तो गाइस थोड़ा कच्चा रास्ता है इधर। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं फाइनली कच्चे रास्ते में से, पता नहीं किधर किधर से आया हूँ मैं। नहीं नहीं वो गई। ओ भाई भाई बेइज्जती करवा दी तूने इसको, छोड़ के बस बढ़िया भाई। तो ये हमारे कांग्रेचुलेशन आपके 20K से प्लस फॉलो। थैंक यू गाइस। और ऐसे तरक्की करो जल्दी। ओए सारे के सारे ना YouTube पे भी सब्सक्राइब कर दो मेरे को, ठीक है। मतलब YouTube पे देख रहा है तो उसका चैनल है YouTube। यार देखा करो यार जल्द। नाम आपको दिखाई देता हूँ, मेरा नाम है MT15 राज 25 नाम से YouTube चैनल। भाई जल्दी मोनेटाइज करा दो यार प्लीज यार, बहुत मेहनत करते हैं बंदा। तो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब। सुनो भाई अज्जू भाई की और हमारे भाई विली मैन, विली मैन इनकी स्माइल बहुत खतरनाक है। भाई सबसे बॉडी बिल्डर यही हमारे एक ये और नहीं ये इसको बॉडी नहीं बोलते भाई, इसको तूंद बोलते हैं। चलो अंदर चलते हैं फिर। तो भाई देख सकते हो चारों तरफ से दिखा दूंगा विशाल का घर। तो बंद करते हैं इसको। तो भाई चाय पीते हैं उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। निकल रहे हैं यहाँ विशाल के घर से और हमारी एमटी खड़ी हुई है। मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ अपना और हमारे अज्जू भाई की और राहुल भाई की बाइक, जो राहुल भाई इसी पे चलेंगे और इनका ब्लॉग चल रहा है हमेशा। राजू भाई अपने ब्लॉग कर रहे हैं एमटी पे। नहीं आप कर लो पहले। नहीं हम बाद में कर लेंगे। नहीं बाद में कर लो, तुम कर लो। तो गाइस निकलते हैं हम यहाँ से। उधर विशाल तैयार हो चुका है देख सकते हो। तो गाइस मिलते हैं हम आगे की तरफ डायरेक्ट। अब GoPro में दिखाऊंगा आपको आगे का सीन। हमारे अज्जू भाई है जो आगे जा चुके हैं, राहुल बाइक चला रहा है, वो पीछे विशाल और अजीत दोनों पीछे आ रहे हैं। हाईवे पे मिलते हैं अपन। हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं शिवदासपुरा से थोड़ा सा बाहर, डायरेक्ट हाईवे पे जाता है जो निवाई की तरफ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से वहाँ निकलते हैं और हमारे विशाल जो आपकी तरफ हाई कर रहे हैं, हाई कर दो। गाइस सीधा निकलते हैं अपन हाईवे पर, वहां से स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। हमारी जो लैंग्वेज है वो आ जाती है मेरे मुंह पे कभी कभी। तो अभी निकलते हैं सीधा हाईवे पर, वहां से स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग ढंग से, ठीक है। और आज निवाई जा रहा हूँ मैं, बहुत अलग लोकेशन है, मैं कभी गया नहीं निवाई। हेलो गाइस, हम चाकसू से होते हुए जाएंगे निवाई के लिए। आप देख सकते हो सामने लिखा हुआ है चंपावती नगरी चाकसू में आपका आगमन, मतलब हार्दिक स्वागत है। तो गाइज हम निकलते हैं यहाँ से सीधा, हम हाईवे पे निकलेंगे यहीं से भी। गाइज हम पहुँच चुके हैं चाकसू में जो पेट्रोल पंप है यहाँ पे, तो विशाल वहाँ पे पेट्रोल भरवा रहा है, तो भरवा के फिर निकलते हैं वापस साथ में। तो गाइज एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, हमारी एमटी अभी 46 का एवरेज दे रही है और विथ एग्जॉस्ट, जो उसमें एग्रोफोबिया का एग्जॉस्ट लगा है, आपको पता है मेरी बाइक में। तो गाइज आपका बताइए आपके बाइक कितने का एवरेज देती है, अगर आपके पास बाइक है एमटी है कोई सी भी जिसमें एग्जॉस्ट लगा हो, बस प्लेटिना और स्प्लेंडर को छोड़ के। सारे कमेंट में बताना कितने का एवरेज देती है तुम्हारी बाइक। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं हमारे लक्ष्य पर जहाँ पर हमको जाना है, मतलब निवाई में। तो अभी बहुत दूर है यहाँ से निवाई, कम से कम 40 किलोमीटर है अभी यहाँ से।
तो सीधा वहीं मिलते हैं हम। अभी दिखाता हूँ आपको, सीन दिखाता हूँ चाकसू के अंदर का। एक नंबर व्यू है यहाँ का, देखो अगल बगल में कितने सारे पेड़ पौधे हैं, खतरनाक लोकेशन है। देख सकते हो अभी कोटा यहाँ से 190 किलोमीटर और निवाई अभी भी 14 किलोमीटर और सरोई 18 किलोमीटर है अभी यहाँ से, ठीक है। तो 14 किलोमीटर अभी और जाना है हमको आगे की साइड, फिर वहां से हम निवाई में एंट्री करेंगे, उसके बाद दिखाते हैं हमको क्या सीन है वहां का। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं निवाई वाले एंट्री गेट पे। देखो लिखा हुआ है निवाई और मार्क और रखा है यहाँ पे तीर का निशान, तो ये है निवाई एंट्री गेट। तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे और यहीं से हम मुड़ेंगे थोड़ा देख के। तो ये यहाँ रुके हुए हैं, शायद कुछ पूछ रहे हैं इनसे, तो सीधे जाने के लिए बोल रहे हैं, तो सीधा निकलते हैं यहाँ से। अभी रुके हैं बेकरी की दुकान पे, शायद यहाँ से पता नहीं क्या लेंगे, तो देखते हैं अंदर जाके क्या सीन है इनका। तो अभी इसको मैं बंद करता हूँ थोड़ी देर। तो गाइस क्या लिया जा रहा है यहाँ पे? वो तो गाइस ये तो केक ले रहे हैं भाई, बर्थडे है क्या किसी का? ये भी दे देंगे 160 रुपए हो जाए। सिद्धार्थपुर रे आज तो मैं सिद्धार्थपुर आ पड़ता। सिद्धार्थपुर छोटू इधर आ। एक कौन सी बाइक है ये? आए भूसा। और ये क्या पता नहीं है इस बार आई। अरे यार छोटू यार, और ये हैं, ये कौन सी है नहीं पता? अच्छा तुम्हें नाम दिखाता हूँ तुमको, इधर पढ़ो। क्या नाम लिखा है? रुको इधर आओ, पढ़ना आता है तेरे को? मैं जाता नहीं स्कूल। पढ़ना नहीं आता? ये क्या लिखा है? मैं जाता नहीं स्कूल। तू जाता है? तू भी नहीं जाता? ये R15 है और वो है अपाचे, और ये है अपाचे, अपाचे 310 RR 310, ठीक है। ये है MT यामागी। हाँ MT, ठीक है। आया भूसा ऐसी नहीं आती, आया भूसा बहुत बढ़िया आती है। ये कैमरा है, ठीक है। हेलो कर दो, बात पता चल गया ना। ऐसी बाइक दिखे तो कौन सी है? R15। और ऐसी दिखे ना, देख किसका मुंह देख ले कैसा है। और इसकी ऐसी दो आंखें वाली दिखे ना तो बोल देना MT है। कौन सी गाड़ी बढ़िया है तीनों में से? तीनों ही सही है। तीनों ही बढ़िया यार। ऐसे कैसे बेइज्जती हो जाएगी भाई? तो गाइस देखा, बच्चों को पता नहीं था कौन सी बाइक है, बच्चा स्कूल नहीं जाते वो, तो भाई स्कूल जाना इसलिए ज़रूरी है, उनको पढ़ना तक नहीं आता। तो यहाँ से ले लिया है हमने केक। क्या बुक करवाया क्या? तो अभी सीधा हम लोकेशन पे जा रहे हैं यहाँ से निकल गए। तो गाइस हम निकल चुके हैं उधर से, सीधा अब राज के पास जाएंगे और दिखाता हूँ कौन है वो, आप शक्ल देख के पहचान जाओगे उसको। मैंने एक दो बार ही देखा है उसको, बट कभी रियलिटी में मतलब आमने सामने नहीं हुए हम कभी भी, बस मैंने देखा हुआ है उसको। तो अभी जाके देखते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। तो गाइस ये मेन मार्केट है निवाई का, सामने गाड़ी आ रही है, थोड़ा देखते हैं इधर। ओ महेश कंप्यूटर, तो गाइस यह है उनकी दुकान। लो भाई अब देखो पलट के। अभी तक तो किसी ने नहीं देखा, पलट के देखो सारे के सारे। तो गाइस दुकान देख सकते हो, भाई का फोटो लगा है भाई, एकदम हीरो लग रहा है। तो देखो RZ01 फैशन, वाह वाह। तो गाइस अंदर से दिखाते हैं इनकी दुकान। तो भाई देख सकते हो भाई। और तो भाई देखो हीरो लग रहे भाई। हम तो कहीं नहीं है, हम तो बराबर ही नहीं कर सकते इनके। निकालने के लिए फिर। तो गाइस ये है भैया की शॉप, देख सकते हो आप। निवाई के अंदर मतलब मेन रोड है, मेन रोड से अंदर एंट्री दिखा देता हूँ आपको एक बार। नाम पूरा देखो, भाई का फोटो लगा हुआ है इधर भी। तो गाइस हमारी बाइक चला रहे राज भाई, नाम भी राज ही लिखा है इधर। तो बैठते हैं हम पीछे की साइड।
हाँ चलाओ भाई ने बेटा। अरे एक और जमा के तो गाइस तो यहाँ से हम निकलते हैं, डायरेक्ट केक काटेंगे भाई का, जो अभी पता चला मेरे को 150 के हो चुके हैं इनके फाइनली। तो अभी जा रहे हैं हम सारे के सारे, उनको लोकेशन पता नहीं है तो दिखा देता हूँ भाई की, हमारी R15 और हमारी RR310 और हमारी MT। तो भाई राज भाई बाइक चलाएंगे हमारी भाई। अच्छा भाई पहले तो गाइस निकलते हैं यहाँ से, आगे का सीन दिखाता हूँ क्या सीन है आगे का। अभी चलते हैं यहाँ से भाई, जिस चीज के लिए हम आए थे जयपुर से तो वो चीज होने वाली है फाइनली यहाँ पे, दिखा देता हूँ। और ये राजू भाई अपने केवे को उठा के चल जाते हैं कहीं भी स्टार्ट हो जाते हैं। बोलते काम धंधा यही है भाई हमारा, तो गाइस ये मजाक उड़ा रहे, तो काम धंधा हमारा यही है, तो यही हमारा हमारा फीचर यही सुधारेंगे। ये इनको कुछ पता नहीं है, दूसरों का कैमरा उठा के बस करते हैं। अरे नहीं देखा है, तूने इसकी मैं हर ब्लॉग में बेइज्जती नहीं कर सकता। तो फाइनली देखो केक कटने वाला है, फूंक मार के भाई फटाके छोड़ा दे। हां वो फटाका तो नहीं रहा यार, मेरा फटाका अंडे का काम है बस। गए ये दुकान में वहां पे रहता है। हां तो फटाके ये यार तो चलाओ, ये जलाओगे क्या? अरे नहीं अंदर यहाँ से केक वेक कट चुका है हमारे राज भाई का, और अभी थोड़ा यहाँ पे फटाके वटाके फोड़े जा रहे हैं, देख सकते हो आप। खत्म। तो गाइस धुआई धुआई धुआं हो चुका है यहाँ पे, देख सकते हो आप, दिख नहीं रहा, कोहरा हो गया है। और नहीं वो ये फटाका का धुआं है जो किसी के पिछवाड़े से निकल सकता था, लेकिन अरे यार ये भाग गया यार, पता चल गया डर लगता है मेरे को। कोई ना, तुम आ चुके हो, भागे हो जो, देखो डरपोक मेरे फनी वाला बनाऊंगा, फटने का डर लगता है। हेलो गाइस, तो आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी राज भाई हमारी बात चला रहे, तो चलते चलते हम ब्लॉग को खत्म करेंगे आगे की तरफ, ठीक है। तो निकलते हैं यहाँ से जयपुर के लिए सीधा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।